जानना यानी जदीद चीजों से आगाही। इल्म एक ऐसा खजाना है जिसकी चोरी का कोई खौफ नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इल्म हासिल करो और इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हकीकत में एक इल्म एक ऐसी कुव्वत है जो तमाम कुव्वतों से अफजल है और जिसका जवाल नहीं। कुदरत के राज इल्म ही की वजह से खुलते हैं। इल्म ही की वजह से इंसान हवाओं का रुख मोड़ चुका है, खलाओं में फतह हासिल कर चुका है और समुद्रों पर हुक्मरानी करता है। दूरियां और फासले सिमट चुके हैं। ये इल्म ही की वजह से है जो हम घर बैठे दूर दराज के ममालिक का सफर कर लेते हैं और अपने रिश्तेदारों का हाल जान सकते हैं। इल्म की वजह से इंसान नेकी खलूस फियाजी जैसी अफजल चीजों हासिल करता है। गोया हम ये कह सकते हैं कि इल्म ही है जिसकी वजह से इंसान ने हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना लिया है। इल्म हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हमारे मजहब इस्लाम ने इल्म पर बहुत जोर दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया है, तालीम हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। इंसान को गार के दोष से निकाल कर अशफुल मखलूकात बनाने में इल्म की वजह से इंसान गार के दोष से निकल कर अशफुल मखलूकात बन चुका है। इल्म की वजह से इंसान पत्थर से शीशे को काटता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रब्बी जितनी इल्मा, अल्लाह ताला हमें भी नफा देने वाला इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।